हे व्हाट्सअप गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने Redmi Note 5 Pro में पब गेम प्ले करके दिखाऊंगा। तो मैं हूं कबीर खान, आप देख रहे हो टेक्निकल वीड्स। तो बिना किसी देरी के लेट्स गो। दोस्तों ये गेम हो गया स्टार्ट। तो अब मैं आपको इस गेम में डायरेक्ट हाई सेटिंग पे प्ले करके दिखाऊंगा, लो सेटिंग पे प्ले करके नहीं दिखाऊंगा। तो ये गेम स्टार्ट होने में थोड़ा समय लगाता है, तो जब तक देखते हैं, क्योंकि मैं इसमें कोई भी कट नहीं करने वाला हूँ। तो गेम सबसे पहले आपका वही चेकिंग अपडेट्स की अपडेट आया तो देख लेता है, तो लोडिंग लेगा। ओके, कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ मैं लेवल 7 पे हूँ। कट कर दिया, कट। तो यहाँ सबसे पहले आपको नंगा ही मिलता है, आपको पता होगा जो गेम खेल चुका होगा। तो यहाँ पे आपको मैं एक तो ग्राफिक की सेटिंग में जा रहा हूँ, यहाँ पे आपको HD एक मैं अल्ट्रा HD क्लिक करता हूँ या अवेलेबल नहीं है, ये भी आपकी डिवाइस में अवेलेबल। HD भी क्लिक करूँगा ये लिखा रहेगा कि अपडेट होएगा बहुत जल्दी, आपकी डिवाइस सपोर्ट करेगा। तो मैं बैलेंस पे मीडियम चूज़ करके रियलिस्टिक पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि रियलिस्टिक ज़्यादा ग्राफिक्स होता है। तो मैं सिंपली ओके कर दूंगा। तो ये सेटिंग हो गई है सेम। तो ऊपर देख लो, आप कोई सभी चूज कर सकते हो, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका। तो इस समय मैं नॉर्थ अमेरिका चूज कर रहा हूँ, नॉर्थ अमेरिका को मैं क्लिक कर दूंगा, क्योंकि गेम मैं पहले से भी खेल चुका हूँ। तो मैं अपना नाम पहले से इसमें सेट करके रखा है। तो मैंने स्टार्ट कर दिया, सिंपली लोडिंग ले रहा है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा समय लेता है, ऊपर देखिए साइड में स्टार्ट लिखा है, तो मैंने इसको थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दी, क्योंकि 40-45 सेकंड पर जी के होते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपको नाच सब्जी का नाच लेना है, जो भी आइटम है उसे पिकअप कर लेना है। यहाँ पर आपको कपड़े मिल सकते हैं, गन मिल सकती है, कुछ भी मिल सकता है। तो गेम स्टार्ट होने में सिर्फ 4, 3, 2, 1 पे अपने आप गेम स्टार्ट हो जाएगा। तो गेम स्टार्ट हो गया है, ऊपर तक आपको मार्कर से अपनी पोजिशन सेट कर लेनी है। तो मैं मार्कर से अली पोजिशन सेट कर लेता हूँ। तो अभी आपको यहाँ पे जंप का ऑप्शन दिखाई देगा, तो बाकी आपको जंप कर देना है। देखो जंप आ गया, मैं जंप पर क्लिक करूँगा। तो जंप हो गया, तो यहाँ पे मैं थोड़ी स्पीड बढ़ा दे रहा हूँ, क्योंकि उतरने में काफ़ी समय लगाता है। ये गेम बिल्कुल भी लैग नहीं कर रहा है, आप देख रहे होंगे। पैराशूट का आइकन हो गया, लेकिन अभी पैराशूट पे क्लिक करने का है, आप क्लिक करना है। तब ये नीचे उतरने ही वाला है, बस ये उतर गया। तो हो सके तो आप जब भी गेम खेल रहे हो तो हेडफोन का यूज़ करो, जिससे आपको क्लियरली आवाज़ गन वन की सुनाई दे। तो सबसे पहले आपको किसी भी घर में जाना है, जितना ही मटेरियल है सब उठा लेना है, बंदूक बंदूक कपड़े वपड़े। मैप में चेक करते रहना है कि आप कहाँ पर हो। तो मैं सिंपली इस घर में जा रहा हूँ, घर पर जाते ही दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। तो ये मटेरियल है ले लो, तो ये मैं सब उठा लेता हूँ। तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो उठा लिया। बंदूक ढूंढना है, क्योंकि इससे कोई काम नहीं होगा। हेलमेट मिल गया, चलो गन मिल गई, ये बहुत ज़बरदस्त गन है, देखते ही साथ भून दो। तो ये गाड़ी रखी हुई है, गाड़ी को चलाने पड़ेगा। तो सिंपली आप कोई भी गाड़ी जो यूज़ करने वाली भी यूज़ कर सकते हो, सब गाड़ियाँ आप नहीं चला सकते हो। तो मैं इसमें वाली गाड़ी चला रहा हूँ, इससे क्या होता है, आसानी से कहीं पहुँच सकते हो। एक बार ध्यान रखना, आपको जो सर्कल दिख रहा है वाइट, उस सर्कल के अंदर ही हमेशा रहना है। अगर आप सर्कल से बाहर निकलते हो तो आप ऑटोमेटिक अपने आप धीरे धीरे मर जाओगे। तो इसमें एक्चुअली क्या होता है कि आपको पहले ढूंढना पड़ता है काफ़ी, कि कहाँ पर लोग हैं, कहाँ पर किसे मारना है। टोटल 100 लोग होते हैं, उनको ख़त्म करना होता है।
तो इसमें ढूंढने में काफ़ी समय लग जाता है। एक्चुअली मैं ढूंढ ही रहा हूँ, मैं मार्कर से पोजीशन सेट करता हूँ, उस हिसाब से अपना चलता रहता हूँ। ऐसा आप भी करेंगे तो आपके लिए भी ईजी रहेगा। तो यहीं से मैं तो जाता हूँ, गाड़ी अपनी पार्क कर दी है, आगे बढ़ रहा हूँ। वो रहा घर का मतलब, यहीं पे कुछ मैटर गड़बड़ है। एक्चुअली क्या होता है, जहाँ पे घर होता है ना, सब साले वहीं पे छुपते हैं जाके। हमेशा आप सर्कल के अंदर ही रहे, बार बार चेक करते रहे आप इस सर्कल से बाहर तो नहीं हो गए। मार्कर से अपनी पोजीशन को ट्रैक करते रहे, जैसे मैं दिखा रहा हूँ इसमें। एक्चुअली गेम बहुत लंबा होता है, इसमें आपको काफ़ी ढूंढना पड़ता है, काफ़ी सर्च करना पड़ता है। अगर आपके सामने लेफ्ट साइड जब भी गन आए, समझिए आपके आस पास कोई है, मतलब कोई ना कोई बंदूक लिए टहल रहा है। देखिए तीन नंबर मेरा साथी, मैं स्क्वाड में खेल रहा हूँ, चार लोग ग्रुप होता है, कहीं के भी हो सकते हैं, चाहो तो अपने फ्रेंड भी इनवाइट कर सकते हो। तो अपने साथियों को नहीं मारना है, बाकी सबको मार देना है। तो वार्निंग आती रहती है, तो मुझे लग रहा है कि हाँ भाई थोड़ा खतरा है। बंदूकधारी इसका मतलब आसपास कोई है, काफ़ी सतर्क रहना पड़ता है इसमें। मैं आवाज़ फुल कर दी है, दो लोग हैं। ओ माय गॉड, रेड पासी में ये तो गोली चला रहा है। निशान लगाना स्टार्टिंग में तो दिक्कत हो रही है, क्योंकि मैं ज़्यादा खेलता नहीं हूँ। मारा ये मारा, पास जाके मारना पड़ेगा, रुक जाओ इसे। मर ही नहीं रहा, अरे मरेगा मरेगा, ये मर गया। अब इसके सारे जितने बैग होता है, इसके बैग में जितना भी आइटम है आपको अपने पास ले लेना है। अरे ऊपर सामने से आ रहा है, इसे गोली मारता हूँ। गोलियाँ ख़त्म हो गई। एक्चुअली जब आप गेम खेलो तो आपको आइडिया नहीं होता है कि आपके साथ क्या हो रहा है। बिल्कुल आइडिया था मेरी गोलियाँ खत्म हो गई, तो गोली चला मैंने चल नहीं रही है, उसको पैक जल्दी टोपन करना होगा। मैं तो गोली सबसे अच्छा है कि आप लेट जा सकते पहले। सब बैग ओपन करता हूँ, सारा मटेरियल ले लेता हूँ जल्दी जल्दी। इसके ऊपर निशाना चाहता हूँ, रुक जाइए। मुझे तो मरना ही है, बहुत बुरा फसाई थी लेकिन मुझको भी। गया साला, गया गया, अभी मर गया। कोई चांस उसका बचने का, काफ़ी ज़्यादा मेरा एनर्जी खून ले ली। सही है, जूते पहन लूँ। जैसे कि जिसको जिसको मारो उसका जो भी बैग में आइटम है सब आपको अपने पास रख लेना है। अच्छा अच्छा आइटम जो भी लेना हो बस अपने आप ही ले लेता है, छाट लेता है सब कुछ। बस इसमें यही है कि ढूंढते रहो कहाँ पर लोग हैं। मैं दो लोगों को मार चुका हूँ, आपको अगर ऊपर साइड दिख रहा हो तो। गेम बहुत इंटरेस्टिंग है, जब आप खेलते हो आपको बहुत मज़ा आता है। एक्चुअली मैं जब गेम खेल चुका हूँ और समय मैं वॉइस नहीं डाल पाया था क्योंकि सब लोग आसपास बैठे थे, तो मैं अलग से वॉइस ओवर कर रहा हूँ इस गेम में। यहाँ पे तो लोग हैं, लग रहा है खतरा है यहाँ पे। खोपड़ी क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो साला इस गेम में जल्दी कोई मिलता नहीं है, ढूंढते रहो सब कहाँ पे है। मैप पे टच करो, वो तो क्या मेरा साथी तीसरे नंबर का साइड है, उसका ही पीछा करना पड़ेगा। अभी तो कोई आइटम नहीं है, ड्रिंक विंक कुछ नहीं है, यहाँ खतरा है। तो आपको इधर साइड बनाता है कि आपको झुक के चलना है, चाहो तो नीचे साइड आपको राइट साइड में दिख रहा है, उस हिसाब से आप ले सकते हो।
तो आपको इस सर्कल के अंदर रहना है, आपको रेड जोन दिखा रहा होगा। यहाँ से कौन मार रहा है, ये कर ये गया अंदर। मर गया इसको, आप पूरा ही सेम प्रोसेस, बैग पूरा खाली कर दो इसका, अपने पास कर रखिएगा। इस गेम में यही है कि आपको ढूंढना ही पड़ेगा, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, नाच कर रहा आगे पीछे सब जगह। मुझे लग रहा है इधर साइड कुछ हो सकता है, क्योंकि काफ़ी यहाँ पे घर बने हुए हैं, जहाँ पे घर होते हैं वहाँ पे आदमी ज़रूर होते हैं, मैंने नोटिस किया है। कोई नहीं है इधर साइड भी, कोई नहीं। आप देख ही रहोगे गेम कितना स्मूथ प्ले हो रहा है। मैं सबसे हाई सेटिंग थी जो इस मोबाइल के हिसाब से है, वो परफॉर्मेंस थी, उसने मीडियम मैंने रेस्टिक लगा रखा है, इससे ज़्यादा मैं यूज़ नहीं कर सकता। इस पर लिख कर आता है कि आपने पूरी देखा होगा कि योर डिवाइस सपोर्टेड सून। अभी मैं पहले यहाँ पे आया था, मैं दो लोगों को टपकाया था यहाँ पे, तो अब मैं ऊपर जा रहा हूँ, जरा देखूँ ऊपर क्या है। मैंने गेम फर्स काट दिया क्योंकि मुझे गाड़ी ढूंढने में काफ़ी समय लग गया था। आपको ऊपर दिख रहा होगा कि मैं वही मैं तीन लोगों को मारा है, 64 लोग जिंदा है, तो मैं गाड़ी से स्पेशली मैं ढूंढ रहा हूँ। गाड़ी से इजी रहता है, जल्दी जल्दी आप कहीं पर पहुँच जाते हो। क्या मैप देखते रहो, देखो सर्कल छोटा होता जा रहा है, आपको इस सर्कल के अंदर ही रहना है। अगर आप सर्कल से बाहर हुए तो काम ऐसे ही ख़त्म। गाड़ी चला के लग रहा है GTA खेल रहे हो, ऐसा फील आ रहा है। आप सोचो मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन जब आप गेम खेलो तो आपको समझ में नहीं आता है कि आपको क्या करना है। और मैं सही चला ले रहा हूँ उस गाड़ी को, और काफ़ी धन्यवाद ही लग रही है, यहाँ पर काफ़ी लोग होंगे। चलो इसको तो मैं गाड़ी से ही कुचल देता हूँ, जो इसका तो गई गई इसका काम हो गया। काम करता मैं चेक कर लेता हूँ एक बार घूम के है कि नहीं, गई गई इसका काम करता हूँ। लेकिन इन लोग कोई भरोसा नहीं, कहीं पर भी छुट जाते हैं इन लोग, कि आप अपनी तरफ से पूरी जांच पड़ताल कर लो। गाड़ी से करके तो अंदर का नज़ारा देखूँ क्या हो रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पे मुझे कुछ तो मिलेगा, कुछ लोग तो मिलेंगे ही मिलेंगे मारने के लिए। दरवाजे खुले हुए हैं, इसका मतलब पहले ही कोई अंदर आ चुका है। इसमें सर्चिंग करनी ज़्यादा, और पीछे से कोई मारा 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 लेट जाओ, सबसे पहले आप लेट जाओ। धीरे धीरे छुपके छुपके बढ़ता हूँ, फिर इसको बताता हूँ, रुक जाओ। जैसे ही कोई गोली चलाए लेट जाओ तुरंत, मार साले पर जल्दी करता था। तो मैं भी दौड़ा के मारूंगा, रुक जा। तो काम खत्म, पता बेटा गए तो 4 लोगों को मैं मार चुका हूँ अभी तक। हाँ बस 2-3 बार खेला है, हिसाब से तो ठीक ही है। तो कोई और ही मार रहा है, रुक जा रुक जा, ये किधर से मार रहा है यार गोलियाँ। अरे 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 कौन है भाई ये पीछे,
ज़्यादा अच्छा नहीं, मार नहीं पा रहा, मैं मारूंगा। गई, काम खत्म इसका। मुझे मशीन गन काफ़ी पसंद है, काफ़ी स्पीड से गोली निकलती है, इंसान बहुत जल्दी सफाया होता है। सर्कल के अंदर ही रहना ये आपको मेन। अरे काफ़ी खंडर है, अरे खंडर एरिया काफ़ी खतरनाक होते हैं। यहाँ मुझे पक्का कोई ना कोई ज़रूर मिलेगा, कोई ना कोई तो मिलेगा यहाँ पे, इसको पूरा चेक करना पड़ेगा। इधर भी कोई नहीं है, कुछ पड़ा हुआ है, उठा लेता हूँ। सर्कल छोटा होता जा रहा है। कहाँ गए, कहाँ मर गए? 37 लोग। अरे तो गोली मार रहा है, लेट जा लेट जा, सबसे पहले लेट जा, सामने से मारे। गया, काम खत्म। 7 लोगों को मार चुका हूँ अभी तक। अरे मैं सर्कल से बाहर आ गया हूँ, सर्कल के अंदर ही जाना होगा। मार्किंग सेट करके आप आसानी से सर्कल के अंदर पहुँच सकते हो कि आपको किधर साइड जाना है। तो मुझे जल्द से जल्द अपनी जो कार थी, जो भी टूटी फूटी जो भी है, उसको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मैं पैदल तो नहीं पहुँच सकता जल्दी। किधर है किधर है, नीचे आपको देखिए मैप में कार की लोकेशन दिखाता रहता है ग्रीन कलर से, वो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। साली वो खड़ी है, देखिए ऊपर साइड रेड साइड स्टार्ट हो गया। अगर मैं इसके अंदर आ गया तो मेरा ऐसे ही गेम ख़त्म, रेड जोन स्टार्ट हो गया इस एरिया में। जल्दी जल्दी मुझे यहाँ से भागना होगा, यहाँ पे लग रहा 2-3 लोग का काम ख़त्म होने वाला है। जल्दी मार्किंग सेट कर ली है, तुरंत भाग। सबसे अच्छा फ़ायदा है कि अपनी गाड़ी हर समय कहीं लेके चलते रहो, इससे बहुत फ़ायदा होता है आपको इस एरिया से निकलने में। वो देखिए पैराशूट से और लोग उतर रहे हैं। अरे लड़ी जी, बैक करा, चलो तो ठीक है, तो जूम करके देख लेते हैं। चलो चलते रहो चलते रहो, सही जा रहा हूँ, डायरेक्शन है बिल्कुल। सर्कल देख रहे हो आप कितना छोटा हो गया है, अब सारे जितने भी लोग हैं सब इसी सर्कल के अंदर मरेंगे आके, मतलब गेम और हार्ड हो गया है। इसको जूम कर लेता हूँ, देखता हूँ, कट कर ली मार्किंग। अरे ज़्यादा मार्किंग कट हो गई है, आगे ले गाड़ी चली नहीं रही आगे, ये क्या हो गया, ख़राब हो गई क्या, पैदल ही जाना पड़ेगा लग रहा है। एक बार और ट्राई कर लेता हूँ, क्या पता चल जाए। तेल वेल ख़त्म हो गया क्या गाड़ी का भैया, क्या हो गया, कोई काम की नहीं, बेकार हो गई है, पैदल ही जाना पड़ेगा मुझे लगता है। सर्कल के अंदर गाड़ी नहीं चला सकते, अब ये बहुत हार्ड हो गया है। मेरी नीचे खून है बहुत, एक गोली का है, मैंने ध्यान नहीं दिया था, एक्चुअली मैं ड्रिंक पी लेता, मुझे थोड़ा ध्यान दे लेना चाहिए था। एक गोली लगी कि मेरा काम ख़त्म हो जाएगा, मुझे बड़ा केयरफुली रहना पड़ेगा। अच्छा लेकिन जब मैं गेम खेला था तो मैंने नीचे की साइड बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था, बिल्कुल ध्यान गया ही था, मैं उसमें इतना खो गया था गेम में,
मुझे कुछ नहीं पता था कि नीचे साइड भी देखना है कि अब मेरी जो एनर्जी है बिल्कुल डाउन हो चुकी है, तो यहाँ काफ़ी मुझे बच के रहना होगा। एक गोली का हूँ मैं से, लेकिन 7 लोगों को मारा है, बहुत अच्छी बात है। मैं किस तौर में उससे पहले भी गेम खेला था उसमें, लेकिन लास्ट तक मैं बचा था। उसकी इमेजेस मैं लास्ट में डाल दूंगा, आप देख लेना। और गेम का कितना बैटरी यूज़ करी से इसकी भी इमेज मैं डाल दूंगा लास्ट में, आप देख लेना। इसके हालात तो आपके सामने हैं, जिससे पहले खेला था उसकी जो इमेज है वो मैं आपको लास्ट में दिखा दूँगा। इसमें मैंने 11 लोगों को मारा था और लास्ट तक सर्वाइव किया था। इसमें मुझे कोई भी टपका सकता है। अब मुझे जितना सर्कल छोटा है उतना डिफिकल्ट। तो इसने मुझे मार दिया, तो मेरा हो गया काम ख़त्म। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबा देना। और हाँ, ये इमेजेस ज़रूर देख लेना जो उसके बाद मैं डालने वाला हूँ कि बैटरी कितनी खर्च हुई और मैं इससे पहले जो किया था उसका क्या स्कोर था।